Good morning to all of you. My name is Dr. Neelima Budhani. I am from School of Computer Science and IT, UOU. I am assistant professor in this department. Now, today I will discuss about logic circuits in digital system. There are two types of logical circuit in digital system. These are combinational circuit and sequential circuit. Today we will discuss about what is combinational circuit, right? So first of all, as we have discussed what is combinational circuit, a combinational circuit is a logical system that takes two or more than two inputs and always show output that is depend on the present state of input. As we discuss about the block diagram of combinational circuit, as suppose this is a combinational circuit, it takes n number of inputs and always gives n number of output lines. M outputs means a combinational circuit accepts n number of inputs and gives m number of outputs. The definition of combinational circuit is a combinational circuit takes n number of input and gives as out number of output, but the output of combinational circuit always depend the present state of input. While in sequential circuit, the output of any sequential circuit depends present input as well as past input, right? जैसे समझ में आया होगा आपको कि combinational और sequential circuit की जो हमने बात की थी कि combinational circuit का output present input पर ही depend करता है. While in sequential circuit, output present input as well as past input पर भी depend करता है. राइट फिर जैसे मैंने आपको बताया दिस इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट बट इन सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट डिपेंड प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट एंड अ मेमोरी एलिमेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी सेल फॉर सीक्वेंशियल सर्किट. जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एलिमेंट. इन कंपैरिजन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी एलिमेंट प्लस लॉजिक गेट्स जनरेट द सीक्वेंशियल सर्किट. नाउ अगेन हम बात करते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट पे. तो जैसे आपने समझा कि कॉम्बिनेशनल का सर्किट का ब्लॉक डायग्राम ये है, तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को कैसे डिजाइन करें, तो देयर आर फ्यू स्टेप्स टू जनरेट एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. दीज स्टेप्स आर नंबर वन स्टेप्स to design combinational circuits. Number one step, identify the problem. Means first of all, we have to define the problem. आपकी problem क्या है, आपको क्या चीज generate करनी है, कैसे device बनानी है, ये हमारा first step होता है combinational circuit की designing में. Second step is determine the input and output variables. Determine the input and outputs means किसी combinational circuit जो हमें design करना है उसमें how many number of inputs
होंगे एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स आर रिक्वायर्ड, कितने इनपुट और कितनी आउटपुट लाइन्स होंगी, सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा फाइंड करना. देन नंबर थर्ड स्टेप इज नाउ दिस इनपुट एंड आउटपुट लाइन गिव सम सिंबल, मीन्स सिंबलाइज दीज इनपुट्स एंड आउटपुट्स. सपोज मैंने कहा किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए मुझे दो इनपुट की रिक्वायरमेंट है और टोटल नंबर ऑफ थ्री आउटपुट लाइन्स आ रही हैं, तो थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कि दो इनपुट हैं तो हम उनको नेम देंगे सपोज ए एंड बी, और थ्री आउटपुट लाइन्स है तो हम उन्हें एक्स वाई जेड इस तरह से हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं. तो थर्ड स्टेप आ गया कि कितने नंबर इनपुट है और कितनी आउटपुट लाइन है, हम इनको सिंबलाइज करेंगे. देन फोर्थ स्टेप इज सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप. मीन्स जब हमने डिफाइन कर लिया कि कितने नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स हैं, नेक्स्ट स्टेप इज इन इनपुट और आउटपुट के बीच में हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे कि कैसे इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशन हो रहा है, क्या रिलेशन इनके बीच में एस्टेब्लिश हो रहा है, इसको हम शो करते हैं यूजिंग टीटी, यूजिंग ट्रूथ टेबल. मीन्स टीटी वी डिफाइन, यूजिंग टीटी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. अब इन इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, हमने इसको सिंबलाइज कर दिया, ड्रॉ कर दिया किसके थ्रू, ट्रुथ टेबल के थ्रू. एंड नेक्स्ट स्टेप इज नंबर फिफ्थ इज सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन using KMap. In this step, with the help of KMap, we simplify the Boolean function. क्या Boolean function generate होगा combinational circuit के लिए, ये हमने KMap से define किया. और the last step for combinational circuit is draw the circuit. Draw the circuit using logic gates. तो last step है कि जो अभी हमने boolean function को अभी हमने define किया, identify किया या हमने find out किया, इस boolean function को हम using logic gates, आप basic gates की help से भी इस circuit को design कर सकते हैं. तो हमने इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को कैसे डिजाइन करना है, ये स्टेप्स यहाँ पे को समझे. तो देखिए फर्स्ट स्टेप था कि कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या आपको जनरेट करना है ये डिफाइन करना है. सेकेंड स्टेप होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स आर रिक्वायर्ड, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे. देन थर्ड स्टेप में हम उन इनपुट लाइन्स एंड आउटपुट लाइन्स को सिंबलाइज करेंगे सम सिंबल से. आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. देन उसके बाद आप टीटी की हेल्प से उन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप दिखाएंगे, फिर सिंप्लीफाई फंक्शन करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम डिजाइन करेंगे उस लॉजिक, जो भी आपने सर्किट डिजाइन करना है उसको डिजाइन करेंगे. अब देखिए जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाने के, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे इन सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप फिर ये है कि सबसे पहले आपने जैसे नाम सुना होगा एक एडर देखते हैं हम, जिसका नाम होता है हाफ एडर. इस हाफ एडर को हम कैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो अभी स्टेप्स बताए थे इनके थ्रू हम डिजाइन करेंगे. तो देखते हैं व्हाट इज हाफ एडर. तो व्हाट इज हाफ एडर, इसको
इसको शॉर्ट में एच ए भी इंडिकेट करते हैं। तो हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है फर्स्ट डेफिनेशन में हमेशा उसका ये वर्ड जरूर मेंशन करेंगे कि ये सर्किट जो आप डिजाइन कर रहे हैं इज दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट और इज दिस सीक्वेंशियल सर्किट। तो हाफ एडर की डेफिनेशन होती है, हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट टेक्स टू इनपुट्स एंड गिव्स टू आउटपुट दैट इज सम एंड कैरी। तो मैंने बताया ये टू इनपुट को एक्सेप्ट करता है जैसे कि डेफिनेशन में है एंड टू आउटपुट्स को जनरेट करता है। और वो टू आउटपुट कौन से हैं इसके? वन इज सम एंड सेकंड इज कैरी। तो अब देखो हम इस हाफ एडर को कैसे डिजाइन करेंगे जो मैंने अभी स्टेप्स बताए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जो स्टेप नंबर वन था। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है जो दो इनपुट लेता है और दो आउटपुट देता है, ठीक है। तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे। सेकंड स्टेप था आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो कितने नंबर एंड कितने नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस है? देयर आर टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। थर्ड स्टेप आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेप में था सिंबलाइज दिस इनपुट एंड आउटपुट। तो आप इनको सिंबलाइज कर दो। सपोज टू इनपुट एंड टू आउटपुट को, इनपुट को हम कंसीडर करते हैं टू को, सपोज ए एंड बी, देयर आर टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स हैं जो कि हैं सम और कैरी। तो इनको हम सिंबलाइज कर सकते हैं एस फॉर सम एंड सी फॉर कैरी, राइट। नेक्स्ट स्टेप था नंबर फोर, जो आपने इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई कर लिया देन डिजाइन और टीटी दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स। देन तो अब हम इसमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देर आर टू इनपुट्स दैट इज ए एंड बी, देन देयर विल बी फोर कॉम्बिनेशन फॉर ए एंड बी एंड दीज विल बी 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Now these are input and now we will find what will be the output. First is sum. तो अभी हमने कहा half adder कैसे काम करता है। Suppose there are two inputs 0 and 0. तो sum क्या होगा? जब हम 0 और 0 bit को add करेंगे तो sum कितना generate होता है? 0 ही generate होता है। जब हम 0 0 को add करते हैं 0 ही आता है। और carry क्या? जब हम 0 और z को ऐड करेंगे तो कुछ कैरी जनरेट होगी? नो। तो इसके लिए नो मींस 0, राइट। देन सेकंड कॉम्बिनेशन इज a 0 एंड 1, 0 और 1 बिट को ऐड करेंगे देन सम विल बी 1 बट कैरी अगेन 0। थर्ड कॉम्बिनेशन 1 0, 1 और 0 को ऐड किया तो सम इज 1 बट कैरी इज 0। एंड द लास्ट स्टेप इज 1 1, 1 और 1 बिट को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होता है? जो आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन की प्रोसेस देखी है वही एडिशन की प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1 प्लस 1 कितना होता है? 0। बट ये बस यही वाला केस जनरेट करता है कैरी जो कि कितनी होगी? 1, राइट। तो हमने फोर्थ स्टेप भी कर लिया कि हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन कर ली और कैसे हमने ट्रुथ टेबल में रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट के बीच में डिजाइन की हमने ये भी देख लिया। अब फिफ्थ स्टेप था कि सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। तो अब मेरे पास टू ही बुलियन फंक्शन है सम और कैरी। तो अब हम इसके लिए बुलियन फंक्शन जो हमारे सम और कैरी के निकलेंगे इनको हम के मैप की हेल्प से शो करेंगे। तो एस के लिए जनरेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के मैप जो कि होगा इस तरह से ए बी 0 1 1। तो देखिए एस के लिए जो हम जनरेट कर रहे हैं एस के लिए के मैप जनरेट हो रहा है। तो 1 कहां यहां पे रिसीव हो रहे हैं? 1 1 यहां पे है, 1 1 यहां पे। तो किस कॉम्बिनेशन के लिए हो रहे हैं? 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए एंड नेक्स्ट इज 4 1 0 कॉम्बिनेशन के लिए। तो 0 1 कॉम्बिनेशन ये और सेकंड कॉम्बिनेशन 1 0 दिस वन। तो ये देखिए हमारे दो 1 की एंट्री कहां कहां पे होगी के मैप में इन टू पोजीशंस पे। नाउ अगर हम इसमें पेयरिंग करते हैं तो डायगोनली पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। सो द बुलियन फंक्शन फॉर सम बिट विल बी एस इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश।
क्योंकि इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही, तो आंसर यही आएगा बुलियन फंक्शन का, एस इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश। एंड फॉर सी बिट, इसके लिए बुलियन फंक्शन जनरेट करेंगे तो वो किस तरह से जनरेट होगा, देखिए ए बी जीरो वन जीरो वन। तो देखिए यहाँ पे कैरी के लिए वन कहाँ पे आ रहा है, ओनली लास्ट पोजीशन पे, जिसके लिए इनपुट का क्या कॉम्बिनेशन है वन वन। तो इनपुट के कॉम्बिनेशन वन वन है, ओनली वन पोजीशन यही इसी पोजीशन पे वन आ रहा है, तो ये तो सिंगल एलिमेंट है, कोई पेयरिंग वैसे ही नहीं होगी। तो सी के लिए क्या फंक्शन जनरेट होगा, ओनली ए बी। तो जो सी बिट का फंक्शन बुलियन जनरेट हुआ दैट इज ए बी। तो हमारे पास दो आउटपुट थे एस एंड सी, सी के लिए फंक्शन जनरेट हो गया दिस वन, एंड फॉर सी इसके लिए फंक्शन जनरेट हो गया ए बी। तो हमारा फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो गए है कि हमने बुलियन फंक्शन भी जनरेट कर लिया। लास्ट स्टेप था ड्रॉ द सर्किट यूजिंग दिस, जो आपने बुलियन फंक्शन जनरेट किए इनके लिए फंक्शन आपने जो जनरेट किया इसको हम किस में ड्रॉ कर देंगे, लॉजिक सर्किट की हेल्प से। हम जो भी बेसिक गेट्स हैं आप उनसे ही डिजाइन कर लीजिए। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, इसका लॉजिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका लॉजिक सर्किट जो बनेगा, देखिए सबसे पहले आप इनपुट आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक इनपुट था ए, सेकेंड इनपुट था बी, ठीक है। तो अब ए और बी के लिए फर्स्ट वाला हमारा फंक्शन होगा ए डैश बी प्लस ए बी डैश। तो कैसे निकालेंगे, ए तो ये हो गया, इसका डैश करना है तो हम यहाँ पे इसमें एक नॉट गेट लगाएंगे, तो ये बन गया ए डैश, राइट। ऐसे ही सेकेंड इनपुट था बी, बी में हम एक नॉट गेट लगाएंगे तो ये यहाँ जनरेट करेगा बी डैश, राइट। तो अब हमारा सम बिट का फंक्शन है ए डैश बी प्लस ए बी डैश, तो कैसे लेंगे, फर्स्ट है मुझे लेना पड़ेगा ए डैश बी, ये आएगा ए डैश बी, ये जनरेट करेगा एंड गेट ए डैश बी। सेकेंड है ए बी डैश, तो ए जनरेट हो रहा है यहां से, तो आप यहां से ले लेंगे ए बी डैश। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को किससे कंबाइन कर रखा है, एक और गेट से, तो अब आप यहां पे एक और गेट कनेक्ट कर देंगे, तो ये जनरेट हो रहा है सम बिट का फंक्शन, ठीक। अब इसी में, इसी हाफ एडर में ही दो फंक्शन जनरेट हो रहे हैं, सम तो यहां से जनरेट हो रहा है और कैरी कहां से जनरेट होगी, ए और बी इस फंक्शन से। तो आप ए यहां से ले लीजिए, ए यहीं से आ रहा है, तो आप ए कंसीडर यहीं से कर लेंगे और बी वाली बिट आ रही है यहां से, तो आप इस तरह से इस कैरी बिट को शो करेंगे। तो देखिए ये एक हाफ एडर का हमने लॉजिक सर्किट डिजाइन किया यूजिंग बेसिक गेट्स, जहां पे दोनों फंक्शन शो कर रहा है, देखिए यहां से जनरेट हो रही है इसकी सम बिट और इस तरह से जनरेट हो रही है इसकी कैरी बिट, राइट। अब देखो एक तो तरीका है बेसिक गेट से डिजाइन करने का हाफ एडर को, सेकंड एक और वे होता है कि जो हाफ एडर है इसको हम एक्सोर गेट से भी जनरेट करते हैं। एक्सोर गेट से कैसे जनरेट करते हैं, तो जो अभी मैंने प्रीवियसली टीटी बनाई थी उसकी सम बिट की टीटी और एक्सोर गेट की जो टीटी होती है वो थार एग्जैक्टली सेम। अगर आप ड्रॉ करेंगे, वो तो मैंने अभी रब कर दिया, लेकिन अगर मैं उसको ड्रॉ करूं यहां पे, चलिए देख लेते हैं एक बार और, ए बी एस सी, ये जो अभी हमने टीटी बनाई थी, इस टीटी में हमने कैसे डिफाइन किए थे, जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन। तो हमारा एस और सी का क्या फंक्शन जनरेट हुआ था, जीरो वन वन जीरो एंड जीरो 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 वन, यही हुआ था अभी हमने देखा था। तो देखिए इसका तो मैंने सर्किट डिजाइन कर दिया यूजिंग बेसिक गेट्स, बट अगर मैं, अब एक गेट और होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोर गेट, अगर मैं उसको, जो आपको पता होगा इस तरह से उसको सिंबलाइज करते हैं, अगर मैं ए एक्सोर बी करती हूँ तो ए एक्सोर बी की क्या डीटी होती है, जीरो जीरो एक्सोर गेट क्या करता है, जीरो जीरो वन एक्सोर क्या गेट क्या रिटर्न करता है, वन वन जीरो एक्सोर गेट क्या रिटर्न करता है, वन। बट वन वन जो केस होता है एक्सोर गेट केवल इसी गेट में इसी वाले केसेस के लिए क्या रिटर्न करता है, जीरो। बाकी रिमेनिंग थ्री केसेस के लिए तो और गेट की तरह काम करेगा, बट जहां पे वन वन कंडीशन होती है ये रिटर्न करता है जीरो। अब चेक करते हैं क्या सम बिट की और एक्सोर वाले गेट की क्या दोनों की टीटी सेम है, यस बोथ आर इक्विवेलेंट, सेम है।
तो देखिए अभी हमने देखा कि जो ट्रुथ टेबल हमने बनाई थी सम बिट की, ये वाले कॉलम और दिस कॉलम ए एक्सोर बी बोथ आर सेम, मतलब जो मैं सम बिट जनरेट कर रही हूँ इन लॉजिक गेट बेसिक गेट की हेल्प से, इस आउटपुट को मैं ओनली एक एक्सोर गेट की हेल्प से भी शो कर सकती हूँ, बट जो कैरी बिट का फंक्शन है वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैंने इतने लॉजिक गेट लेके क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा बेसिक गेट लेके मैंने सम बिट जनरेट की थी, इसको मैं केवल एक एक्सोर गेट की हेल्प से भी जनरेट कर सकती हूँ। तो एक्सोर गेट क्या होता है, ए एक्सोर बी। तो आप कैसे दिखाएंगे इसको, ए बी ये एक एक्सोर गेट है, तो जो एक्सोर गेट अगर हम लगाएंगे जो इसका आउटपुट है वो सेम आउटपुट किसका था, सम बिट का। तो जो इतने सारे गेट हमने यूज किए थे उसकी जगह पे हम एक सिंगल एक्सोर गेट भी लगाएंगे तो सेम आउटपुट जनरेट होगा। तो ये हमने बात करी थी किसकी, हाफ एडर की। तो हाफ एडर जो हमने बताया था, मैंने एग्जांपल बताया था कॉम्बिनेशनल सर्किट का, बेसिकली हम बात कर रहे थे आज कॉम्बिनेशनल सर्किट पे, कैसे क्या चीज कॉम्बिनेशनल होती है, व्हाट आर द डिजाइनिंग स्टेप्स टू जनरेट एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट, और एक एग्जांपल हमने लिया, फॉर एग्जांपल हमने हाफ एडर लिया कि हाफ एडर को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन करेंगे उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, हाफ एडर तो मैंने बता दिया, फुल एडर क्या होता है, फुल सबट्रैक्टर क्या होता है, कंपैरेटर क्या होता है, सब सारे के सारे सर्किट इसी जो आपको मैंने बताया रूल इसी के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। ओके, थैंक यू।